हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अभी लर्न करना है लॉयड्स मिरर। दिस इज अ प्लेन मिरर, हेयर लेट मोनोक्रोमेटिक सोर्स विल इमिट लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ऊपर नीचे इधर उधर पर हमारा फोकस है। इस पे लाइट इंसिडेंट होके डायरेक्ट लाइट के साथ कहीं मिल सकती क्या, तो मिलने वाली है। सो लुक एट दिस, दिस इज द रे कमिंग डायरेक्ट एंड दिस इज द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। Is there any path difference? Answer, है path difference है। अगर path difference है तो phase difference भी जरूर होगा। इसका path, ये तो direct गया है, ये तो reflect होके आया है। Reflect कहां से? Denser medium से। Additional phase पाए तो इसके path difference के कारण जो phase difference आएगा उसमें addition पाए, ये तो direct चले गए, मतलब यहां फेज डिफरेंस होगा। इफ दैट फेज डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π पैटर्न विल बी कंस्ट्रक्टिव। अब ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता, क्योंकि फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो पैटर्न डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होने का चांस है। अब यहां से रे तो डायरेक्ट चले जाएगी इधर पर, रिफ्लेक्ट होके कहां से कहां तक? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंसिडेंट हो सकती, तो हम लोग बाउंड्री रेज ले लेंगे, सारे रेज तो लेके वो होगा नहीं, क्योंकि वो तो फिर फोकस बन जाएगा। एंड देयरफॉर वी विल कंसीडर एक रे यहां तक, एक रे बिल्कुल बॉर्डर तक। अब दोस्तों ये मानो मैंने तीन रेज ले लिए, एक रेड, एक येलो, एक व्हाइट, ये यहां पे इंसिडेंट हो सकते हैं बाउंड्री सरफेस से। इन रेज को अगर हमने देखा तो ये दिखाई देंगे कि ये कहीं से तो भी यहां से आते, जहां से रेज आए हुए लगते उस पॉइंट को हम लोग कहते सोर्स ऑफ लाइट, पर वो असल में है नहीं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल सोर्स। सो वन आवर रियल सोर्स एंड दिस वर्चुअल सोर्स एक्टिंग एज अ कोहेरेंट सोर्सेस एंड दिस इज हाउ वी गेट इंटरफेरेंस पैटर्न हियर एंड दिस मिरर इज कॉल्ड एज अ लॉयड्स मिरर। ये इंटरफेरेंस पैटर्न पे कंस्ट्रक्टिव पे ही कहीं डिस्ट्रक्टिव पोजीशन मिलती है, कहीं ब्राइट पॉइंट कहीं डार्क पॉइंट मिलता है। तो दिस इज हाउ वी यूज लॉयड्स मिरर टू प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।